आप सभी लोगों को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लेकर आए हैं डाइकॉट की एक महत्वपूर्ण फैमिली जो बीएससी सेकेंड ईयर के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, जिसका नाम रेनन कुलेसी। तो आज हम लोग बात करेंगे रेनन कुलेसी फैमिली के बारे में। जब भी आप रेनन कुलेसी फैमिली की बात करते हैं तो सबसे पहले रेनन कुलेसी फैमिली का हम क्लासिफिकेशन जानेंगे। आइए जो है जानते हैं क्लासिफिकेशन। और रेनन कुलेसी फैमिली का जो मैं क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ, ये बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो जो है रेनन कुलेसी फैमिली का डिवीजन एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकॉट जो है एक जिस ग्रुप के अंतर्गत आएगी डाइकॉट के, उसका नाम पॉलीपेटली, सीरीज जो है थैलेमी फ्लोरेई, ऑर्डर रेनल्स और फैमिली रेनन कुलेसी। ये जो है क्लासिफिकेशन हो गया रेनन कुलेसी फैमिली का। बेंथम एंड हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं रेनन कुलेसी फैमिली के क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूं, जिसमें एक बार और देख लीजिए डिवीजन क्या, एंजियोस्पर्म, क्लास डाइकॉटिलीडन, ग्रुप जो है वो पॉलीपेटली, सीरीज क्या होगा थैलेमी फ्लोरेई, ऑर्डर रेनल्स, फैमिली रेनन कुलेसी। अब जो है इस रेनन कुलेसी फैमिली का हमको जानना है डिस्ट्रीब्यूशन। तो रेनन कुलेसी फैमिली का पूरे वर्ल्ड में 50 जेनरा एंड 1900 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड की गई। मैंने क्या बोला कि रेनन कुलेसी फैमिली का 50 जेनरा एंड 1900 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड की गई है। अगर इंडिया में देखा जाए तो रेनन कुलेसी फैमिली का जो है 20 जेनरा एंड 154 स्पीसीज ये इंडिया में रिकॉर्ड की गई है। और जनरली मैं आपको एक बात बता दूं, रेनन कुलेसी फैमिली के जो मेंबर हैं, जो प्लांट हैं, वो जनरली वर्ल्ड के नॉर्थ टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए तो रेनन कुलेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले प्लांट माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं। रेनन कुलेसी फैमिली के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जैसे रेनन कुलस को हम लोग बोलते हैं बटर कप, कॉमन नेम है इसका। रेनन कुलस का कॉमन नेम बटर कप, एनीमोन इसका कॉमन नेम विंड फ्लावर, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं जो रेनन कुलेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर। रेनन कुलेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले प्लांट एनुअल हो सकते हैं, एनुअल का मतलब एक वर्षीय, पेरेनियल भी हो सकते हैं, बहुवर्षीय, हर्बेसियस होते हैं यानी शाकी नेचर के, उडी होंगे यानी लकड़ीदार हो सकते हैं। तो ये इसका हैबिट हो गया, ये इसका हैबिट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या भाई, इसके बाद जो है हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, जो है रूट। तो अगर देखा जाए तो रेनन कुलेसी फैमिली में टैप रूट पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये डाइकॉट की फैमिली है। इनका स्टेम देखा जाए तो रेनन कुलेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले पौधों का स्टेम इरेक्ट यानी सीधा, ब्रांच का मतलब शाखाओं में बटा, हर्बेसियस होते हैं शाकी नेचर के, उडी भी नेचर के यानी लकड़ीदार नेचर के भी इनके तना होते हैं, स्टेम होते हैं। लिप्स की बात किया जाए तो रेनन कुलेसी फैमिली के अंतर्गत जो आने वाले मेंबर हैं उनकी अगर लिप्स देखा जाए तो लिप्स सिंपल टाइप की, मालूम है आप लोगों को लिप्स दो प्रकार की होती है, सिंपल और कंपाउंड। लेकिन रेनन कुलेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले मेंबर में लिप सिंपल टाइप की होती है। लिप का अगर अरेंजमेंट देखा जाए तो कैसा, अल्टरनेट। अल्टरनेट आप समझते होंगे कि अगर इस कंडीशन में लीफ निकल रही है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ऐसे तो स्पाइरली, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट। तो यह बताना है कि लीफ सिंपल टाइप की, लीफ का अरेंजमेंट अल्टरनेट। इसके बाद हमको बताना है इनफ्लोरिसेंस। तो रेनन कुलेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले कुछ जो है पौधों, जैसे अगर देखा जाए तो रेनन कुलस देख लिया जाए, तो इसमें तो अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो है रेसिमोस है, लेकिन कुछ का क्या होगा, साइमोस,
यानी मेरे कहने का मतलब यही है कि कुछ रैनकुलेसी फैमिली का जो पुष्प क्रम है, पुष्प क्रम को इंग्लिश में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनफ्लोरेसेंस, वह रेसिमोस भी होता है, कुछ का क्या साइमोस, और फ्लावर के अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इनफ्लोरेसेंस। अच्छा लोग पूछ देंगे कि रेसिमोस टाइप का इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे फ्लावर आते जाए, तो नीचे वाले फ्लावर बड़े और पुराने, ऊपर वाले फ्लावर छोटे और नए, तो ऐसा अगर अरेंजमेंट है फ्लावर का तो उसको रेसिमोस, अगर उसके टर्नल एंड पे कोई फ्लावर है तो साइमोस। फ्लावर अगर देखा जाए तो फ्लावर इनका ब्रैक्टिएट होगा, यानी सपत्र पाया जाएगा, कुछ का फ्लावर एक्टिनोमार्फिक, कुछ का क्या होगा जाइगोमार्फिक, और ये फ्लावर होगा कैसा बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विलिंगी। क्या बोलेंगे भाई, द्विलिंगी। यानी हमने क्या बताया, फ्लावर कैसा होगा ब्रैक्टिएट, और कैसा एक्टिनोमार्फिक, डेल्फिनियम का कैसा जो है जाइगोमार्फिक। देखिए एक्टिनोमार्फिक का चिन्ह ऐसा और जाइगोमार्फिक का चिन्ह ऐसा, और फ्लावर है कैसा बाइसेक्सुअल। जहां बाइसेक्सुअल आ जाए तुरंत हम समझ लेंगे कि फ्लावर में कई होल होंगे, चार, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। आइए जानते हैं एक-एक के बारे में। हमने क्या बताया, फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो तुरंत हम समझ लेंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर को हिंदी में क्या, द्विलिंगी, और द्विलिंगी पुष्प में क्या हो, द्विलिंगी फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या हो, चार। पहला क्या, कैलेक्स। कैलेक्स के पास कितने सेपल, 5 सेपल। सेपल जो है फ्री, ये बात याद रखना, कैलेक्स के पास 5 सेपल है, और कैलेक्स क्या आउटर हो, और उसके पास कितने सेपल, 5 सेपल है, और सेपल का अरेंजमेंट कैसा है, इम्ब्रिकेट। जनरली क्या इम्ब्रिकेट, हम लोग रैनकुलस का ही जानेंगे फ्लोरल डायग्राम, तो उसमें यही मालूम चलेगा इसका जो है एस्टिवेशन कैसा इम्ब्रिकेट होगा, लेकिन कुछ का वाल्वेट भी होता है। कोरोला की अगर बात करें तो कोरोला में जो है अगर देखा जाए तो 5 जो है पेटल होंगे कोरोला में, जो अगर हम लोग देखें तो 5 पेटल होते हैं किसमें, कोरोला में, और पेटल का भी अरेंजमेंट कैसा होगा इम्ब्रिकेट, पेटल भी कैसे होंगे फ्री। कोरोला के पास कितने पेटल, 5 पेटल, पेटल का अरेंजमेंट कैसा इम्ब्रिकेट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के पास क्या है, अनेक स्टेमेन है, और उनका एंथर कैसा होगा डाइथिकस। डाइथिकस एंथर का चिन्ह ऐसा होना चाहिए। तो हमने क्या बताया, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के पास अनेक स्टेमेन है और एंथर कैसा डाइथिकस। गाइनोसियम पे आते हैं, गाइनोसियम में अगर देखा जाए तो गाइनोसियम में अनेक कॉर्पल्स होते हैं, और ओवरी कैसे हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब ओवरी सुपीरियर। तो ये हो गया किसके बारे में, फ्लावर। फ्लावर कैसा था, ब्रैक्टिएट था, एक्टिनोमॉर्फिक, कुछ का क्या जाइगोमॉर्फिक जैसे डेल्फिनियम। फ्लावर है कैसा बाइसेक्सुअल, क्या हो रहे फ्लावर में, चार, कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम और गाइनोसियम। कैलेक्स के पास कितने सेपल, 5 सेपल का अरेंजमेंट कैसा इम्ब्रिकेट, और जनरली इम्ब्रिकेट कुछ ऐसे होते हैं जिनका एस्टिवेशन वाल्वेट भी होता है। कोरोला का अगर देखा जाए तो कोरोला कितने पेटल को, 5 पेटल का अरेंजमेंट कैसा इम्ब्रिकेट, चाहे वो सेपल हो चाहे पेटल, ये दोनों फ्री। इसके बाद गाइनोसियम, एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में देखा जाए तो यह अनेक स्टेमेन को धारण किए होते हैं, और एंथर कैसा है, एंथर कैसा है भाई जो है डाइथिकस। गाइनोसियम, गाइनोसियम अनेक कॉर्पल्स को कंटेंट किए हुए, अनेक कॉर्पल्स को धारण किए हुए, और ओवरी क्या है हाइपोगाइनस। जहां हाइपोगाइनस आ जाए आप समझ लीजिएगा कि ओवरी सुपीरियर होगी। इसके बाद हमको जो है, हम रैनकुलस जो है जीनस की बात करेंगे, तो रैनकुलस का अगर हम फ्लोरल फार्मूला देखें तो रैनकुलस का फ्लोरल फार्मूला यही होगा कि या ब्रैक्टिएट, BR से क्या ब्रैक्टिएट, ये क्या एक्टिनोमॉर्फिक, ये क्या है बाइसेक्सुअल, या जो है कैलेक्स के पास कितने सेपल है, 5। कैलेक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल फार्मूला में, कैसे, तो कैलेक्स के पास कितने सेपल, 5, और सेपल कैसा फ्री। कोरोला के पास कितने पेटल, 5, कोरोला को किससे, सी से, और कितने पेटल है, 5। एंड्रोसियम को ए से, और एंड्रोसियम
अनेक अगर स्टेमेन को धारण किए हुए तो इसका जो चिन्ह ऐसे लगेगा, यानी एंड्रोसियम अगर मेनी स्टेमेन को धारण किए हुए है तो उसका ए के पास अगर ऐसा चिन्ह लगा देंगे तो ए हो जाएगा हमारा मेनी स्टेमेन को धारण किए हुए कौन, एंड्रोसियम। गाइनोसियम ओवरी क्या है, सुपीरियर, और ओवरी भी अनेक कार्पेल्स को, मेनी कार्पेल्स को धारण किए हुए है तो इसका चिन्ह हम ऐसा लगा देंगे। और अगर जो है ओवरी सुपीरियर है तो सुपीरियर आप लोग देख ही रहे हैं कि जो है जी के नीचे एक लाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा रेनन प्लस का फ्लोरल फार्मूला। मैंने क्या बताया, ब्रेटिएट है, एक्टिनोमार्फिक, बाइसेक्चुअल, कैलेस के पास कितने सेपल, 5 सेपल कैसे फ्री, कोरोला के पास कितने पेटल, 5 पेटल भी क्या फ्री, एंड्रोसियम के पास मेनी स्टेमेन, अगर मेनी स्टेमेन है तो ऐसा चिन्ह लगेगा एक के नीचे। अब ओवरी क्या है, सुपीरियर, और ओवरी भी अनेक कार्पेल्स को धारण किया, तो जब मेनी कार्पेल्स का नाम आ जाए तो हम ऐसा ही चिन्ह लगाते हैं। अब देखिए फ्लोरल डायग्राम, ये ब्रेक्ट हो गया, यानी मैंने बोला कि ये ब्रेक्टिएट है तो ये ब्रेक्ट हो गया। इसके बाद का जो है कैलेस कितने सेपल को, 5 1 2 3 4 5 5 सेपल को धारण किए हुए, और सेपल का अरेंजमेंट कैसा है, इम्ब्रिकेट। तो इम्ब्रिकेट में क्या होता है, एक अंदर और एक बाहर, बाकी सब क्या ओवरलैप। आप देखिए ये जो इनका दोनों सिरा क्या है, अंदर, और ये देखिए इसका दोनों सिरा क्या हो गया, बाहर। तो ये क्या हो गया, इनर, ये क्या हो गया भाई, ये हो गया इनर, और ये क्या हो गया आउटर, और बाकी देखिए, बाकी देखेंगे इनका एक सिरा दूसरे के ऊपर ओवरलैप, एक सिरा दूसरे के ऊपर क्या ओवरलैप, तो यह हो जाएगा इम्ब्रिकेट। क्या हो जाएगा, इम्ब्रिकेट। इसके बाद मैंने क्या बताया, ये क्या हो गया, ब्रेक्टिएट, और जो है कैलेस के पास कितने सेपल, 5 1 2 3 4 5 सेपल का अरेंजमेंट कैसा, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में एक अंदर एक बाहर, बाकी एक का सिरा दूसरे के ऊपर ओवरलैप। इसके बाद जो है कोरोला के पास कितने पेटल, 5 पेटल भी देख रहे हैं, कितने हैं, 5 हैं, और पेटल का भी अरेंजमेंट कैसा, इम्ब्रिकेट, यानी इसमें भी क्या एक अंदर और एक बाहर, बाकी सब एक दूसरे के क्या ओवरलैप होंगे, एक का सिरा दूसरे के ऊपर ओवरलैप होगा, लेकिन एक अंदर और एक बाहर, बाकी ओवरलैप। इसके बाद जो है एंड्रोसियम अनेक स्टेमेन को धारण किए हुए, देख लीजिए ये बहुत से स्टेमेन है, और एंथर कैसा, डाइथिकस, तो डाइथिकस एंथर का चिन्ह ऐसा होगा। ओवरी जो है अनेक कार्पेल्स को धारण किए हुए, मेनी कार्पेल्स को, तो ये जो है चिन्ह हो गया अनेक जो है कार्पेल्स का। इस तरीके से हम फ्लोरल डायग्राम को बता सकेंगे। अगर इसका फ्रूट देखा जाए तो फ्रूट में अनेक सीड होते हैं, पॉलिनेशन किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। अगर इनके सीड का डिस्पर्सल बर्ड या अदर एनिमल्स के द्वारा होता है तो ये जान लीजिए इनके फ्रूट में अनेक सीड होगा। पॉलिनेशन किसके द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा। सीड का डिस्पर्सल बर्ड या अदर एनिमल के द्वारा होता है। अब हमको बताना है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, तो ये फैमिली हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस फैमिली के अंतर्गत आने वाले प्लांट का यूज हम ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में, सजावटी पौधों के रूप में करते हैं, जैसे रेननकुलस। ये जो रेननकुलस है इसको कॉमन नेम क्या है, बटरकप। एनीमोन इसका कॉमन नेम, विंड फ्लावर। डेल्फिनियम इसका कॉमन नेम, लार्क्सफर। तो क्या है ये रेननकुलस, एनीमोन, डेल्फिनियम, इन सभी पौधों को हम अर्नामेंटल प्लांट के रूप में ग्रो कराते हैं, सजावटी पौधों के रूप में हम ग्रो कराते हैं। इसलिए ये हम बता रहे हैं कि जो है कहीं ना कहीं यह जो है ये बात हम लोग बताएंगे कि कहीं ना कहीं भाई ये क्या है, इस फैमिली के अंतर्गत आने वाले प्लांट जो है अर्नामेंटल प्लांट के रूप में जो है यूज हो रहे हैं। अगला है मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट के बारे में देखा जाए तो रेननकुलेसी फैमिली के अंतर्गत आने वाले कुछ पौधे जैसे क्लीमेटिस, इसका यूज जो है लेप्रोसी डिजीज, लेप्रोसी और ब्लड डिजीज के ट्रीटमेंट में, लेप्रोसी या ब्लड से रिलेटेड जो डिजीज होता है उसके ट्रीटमेंट में क्लीमेटिस नामक
प्लांट का यूज करते हैं। आइए प्लांट किसके अंतर्गत आता है, रेनानक्युलेसी फैमिली के अंतर्गत, तो ये बता देंगे। इसलिए क्लेमेटिस नामक प्लांट को मेडिसिनल प्लांट के रूप में यूज करते हैं और इस प्लांट का यूज लेप्रोसी और ब्लड से रिलेटेड तमाम जो डिजीज है उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। अगला है डेल्फिनियम। ये जो डेल्फिनियम नाम का जो प्लांट है ये रिस्पायरेटरी डिजीज के ट्रीटमेंट में आता है। इसके अलावा जो है ये जो हाइड्रेटिस है, अगर देखा जाए तो ये जो हाइड्रेटिस है इसके रूट का उपयोग स्नेक अगर बाइट कर देता है तो उसके ट्रीटमेंट में यूज होता है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया ये जो क्लेमेटिस हो गया या लेप्रोसी और ब्लड से रिलेटेड डिजीज के ट्रीटमेंट में, डेल्फिनियम रिस्पायरेटरी डिजीज के ट्रीटमेंट में, हाइड्रेटिस के रूट का उपयोग जो है स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट में हम करते हैं। तो इस प्रकार से हम पूरी रेनानक्युलेसी फैमिली को डिस्क्राइब कर सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए जो है फैमिली के साथ। तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।